हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और मैं हूँ सुजक। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती जाए। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होली के कलर्स के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि 2 दिन बाद होली आने वाली है, होली आती है तो आते हैं बहुत सारे कलर्स। कलर्स क्यों आते हैं, आप सभी को बताएं कि होली का एक मतलब एक अलग ही क्रेज़ होता है कलर्स खेलने का, और हर किसी को कलर्स खेलना पसंद होता है। हालांकि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कलर्स खेलना नहीं पसंद होता है, बट बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं कि जिनको कलर्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनमें से मैं भी एक हूँ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा कलर खेलना पसंद है। बट फ्रेंड्स, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी मुझे लास्ट टाइम, सो दैट्स वाई अभी मैं इस बार तो होली नहीं खेलने वाला। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा जो जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपकी जो होली है वो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाए बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। सो फ्रेंड्स, जब होली आती है तब हम बहुत सारे कलर्स खेलते हैं, और कलर्स खेलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्योंकि क्या कलर्स में जो है वो केमिकल्स होता है, और केमिकल हमारी स्किन को जो है वो डैमेज करने का काम करता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे हार्श केमिकल्स होते हैं फ्रेंड्स कलर्स में, कि जो हमारी स्किन को बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कलर्स से आप कैसे बच सकते हो। मान लीजिए कि आपको कलर खेलना है, बहुत कितना भी केमिकल वाला कलर क्यों ना हो, वो आपके स्किन को डैमेज नहीं कर पाएगा। सो जो प्री प्रिकॉशंस वाले जो टिप्स हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। होली खेलने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हो सकती है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, दोनों ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये जान लीजिए कि आपको कलर्स अगर आप खेलना भी चाहते हो तो कभी भी अपनी जो ओरिजिनल स्किन है उस स्किन से हमें कलर नहीं खेलना चाहिए। अब आपके दिल में एक डाउट आया होगा कि ओरिजिनल स्किन से कलर नहीं खेलना चाहिए, मतलब कि आपके स्किन पर एक लेयर लगानी चाहिए। अब लेयर लगानी किस चीज़ की चाहिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए होंगे कि जिस जिसमें आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दिए होंगे, बट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो कुछ अनोखा ही होगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, पहले तो आपको क्या करना है, पहले हम बालों से चालू करते हैं। अब बाल को हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है, बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं, जो हमारे बालों में ही कलर डाल देते हैं, जिससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, और बालों में से इजीली कलर निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हम ऐसा कुछ कर लेते हैं जिससे कि हमारे बालों में अगर कोई कलर डाले भी तो हम उसको ईजिली रिमूव कर सके बिना किसी डैमेज के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। सो फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, सुबह उठते बराबर कलर खेलने से पहले पहले तो बालों में ऑयलिंग करना है। आप कोई भी ऑयल लगा सकते हो अपने बालों में, आप जो भी अच्छा हेयर ऑयल यूज़ करते हो, या फिर आपके मतलब आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, आप वो हेयर ऑयल अपने बालों पर लगा दीजिए। अब बालों पर हेयर ऑयल लगाने के बाद उसको इस तरीके से लगाइए कि बालों की जड़ों जड़ों तक वो ऑयल पहुंच जाए, जिससे कि अगर कोई आपके बालों में कलर डाले भी तो वो जो कलर है वो आपकी वो ऑयल को ही लगे, और ऑयल से ही जब हम आप अपने बालों को वॉश करें शैम्पू से, तो वो शैम्पू के ज़रिए ऑयल प्लस कलर दोनों ही इजीली रिमूव हो जाए, जिससे कि आपके जो बाल है वो भी डैमेज नहीं होंगे, आपका स्कैल्प जो है वो भी डैमेज नहीं होगा। वही मेथड हमें पूरे स्किन पर अप्लाई करनी है। स्किन पर अप्लाई करने का मतलब है फ्रेंड्स कि पूरे हमारे बॉडी को ऑयल लगा दीजिए। आप चाहे तो मॉइस्चराइजर्स भी लगा सकते हो, बट फ्रेंड्स मॉइस्चराइजर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं होते हैं, ऑयली नहीं होते हैं। कुछ कुछ मॉइस्चराइज़र ऑयली भी होते हैं, ग्रीसी भी होते हैं, बट हर एक मॉइस्चराइज़र ग्रीसी या ऑयली हो या जिससे आपको बेनिफिट मिले ऐसा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अपने वो पूरे बॉडी पर ऑयल ही लगा दीजिए। ऑयल लगाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि ऑयल लगाने के तुरंत बाद आपको कलर नहीं खेलना है। ऑयल लगाने के बाद कुछ टाइम तक आप रेस्ट कीजिए, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, जिससे कि ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से आपके स्किन में, आपके स्कैल्प में, आपके बालों में अच्छी तरीके से पेनेट्रेट हो जाए, एब्जॉर्ब कर ले आपकी स्किन, जिससे कि आपके स्किन पर है जो है वो एक ऑयल की लेयर बन जाए, जिससे कि क्या होगा, अगर आपको कोई कलर लगाता भी है
तो आपका वो कलर जो है आप जब वॉश करोगे आपके बालों को या फिर आपके स्किन को, तो वो इजीली रिमूव हो जाएगा। ये होगी फ्रेंड दूसरी टिप। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपके होठों पर, होठों से लेकर आपकी जो आँखों की पंक्तियाँ हैं जैसे कि ये। तो फ्रेंड्स आपके आईब्रो और आपके जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बस आप समझ लीजिए। सो फ्रेंड्स आपको इस पर भी अच्छी तरीके से आपको वैसलीन जो पेट्रोलियम जेली होती है उसको अप्लाई करना है आपकी आईब्रो से लेकर आपकी जो यहाँ के बाल होते हैं वहाँ पर, प्लस आपके होठों पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पूरे स्किन पर बताया, स्किन में हर कोई पार्ट आ गया है, जहाँ पर भी आप मतलब स्किन का जो भी पार्ट है वो उसी में आ गया है, ऐड हो गया है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपके फेस पर, के कानों पर, और ज़्यादातर जो हाइलाइटेड पॉइंट जो होता है, जो कि हमारे फ्रेंड्स या फिर हमारे रिलेटिव जो जिस पर कलर लगाते हैं, वो क्या होता है, हमारा फेस, हमारे इस फेस पर ही लोग भर भर के कलर लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले तो एक ऑयल की लेयर बना लेनी है अपने फेस पर, दूसरी लेयर आपको पेट्रोलियम जेली की बनानी है, और उसके बाद आपको खास करके ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, कि आप जब भी कलर रिमूव करो तब क्या करो, एक गंदा सा कपड़ा ले लीजिए, जिससे कि जो कलर है ऊपर ऊपर का, जैसे कि कोई गुलाल लगाता है, कोई कलर लगाता है, जितना कलर आप उस कपड़े से निकाल पाओ उतना कलर आप निकाल दीजिए कपड़े से ही। उसके बाद आप नहाने के लिए जाइए, नहाने के लिए जाने के बाद आपका जो कलर है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, इजीली वो निकल जाएगा। मैं एक रेकमेंड करूँगा फ्रेंड, हर किसी के घर में एक बाहर का एरिया होता है, लाइक अंडरग्राउंड वाला एरिया या फिर गार्डन वाला एरिया जो होता है, जिस प्रीमाइसेस में आप कंफर्टेबल हो, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बाथरूम में जाने से पहले उसी प्रीमाइसेस में आपका जितना कलर हो सके, जितना आप 2-3 बाल्टी पानी अपने ऊपर डाल सको उतना डाल दीजिए, और रफली साबुन से या फिर बॉडी वॉश से उसको वॉश कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आपका जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर जो है वो वहीं पर रिमूव हो जाएगा, जिससे आपका बाथरूम भी गंदा नहीं होगा, प्लस आपको जो मम्मी से डांट मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा कलर वहीं पर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप चले जाइए बाथरूम में जाकर जो जितना भी, जैसे कि जितना भी बचा हुआ कलर है आपके बॉडी पर, उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। सो ये हो गए फ्रेंड्स टिप्स आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने जो बोला कि आपके गार्डन एरिया में आप अपने ऊपर पानी डालिए, सो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर क्लॉथ रिमूव नहीं करने हैं, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वही कपड़े आपको पहन के रखना है, और उसी कपड़े में पानी डाल दीजिए, क्योंकि हम जो है ओपन में है, तो हम ओपन पे तो अपने क्लॉथ्स रिमूव नहीं कर सकते, और रिमूव कर अच्छे से हम बात नहीं ले सकते, तो हमें वो बात जो है बाथरूम में ही लेना है, बस हमें जो है एक्स्ट्रा कलर जो है हमारे पूरे बॉडी का वो निकालना है। प्लस आपको मैं एक और टिप देना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं ये, कि जो होते हैं हमारे नाखून, हाथों के नाखून और पैरों के नाखून, यहाँ पर अगर कलर चिपक गया तो वो बहुत ज़्यादा इजीली नहीं रिमूव होता है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, कि एक कोटर टाइप का आता है, लड़कियों को स्पेशली पता होगा कि लड़कियाँ क्या करते हैं, नेल पेंट लगाने के बाद अच्छे से पॉलिश देने के लिए एक कोटर लगाते हैं, जिसका कलर पूरा पानी के जैसे होता है, उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंट कलर होता है वो, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। तो अगर आपके घर में कोई दीदी या मम्मी यूज़ करते हैं, तो आप वो लगा सकते हो अपने नेल्स पर, जिससे कि क्या होगा, आपके नेल्स पर जो है वो एक अच्छी तरीके की कोटिंग बन जाएंगी, और कोटिंग बनने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आपके ये रिमूव करने में, कलर रिमूव करने में, क्योंकि वो कोटिंग पे कलर चिपक जाएगा, कलर चिपकने से फिर आप क्या है, जो नेल पेंट रिमूवर जो आते हैं, थिनर जिसको बोलते हैं, हर लेडीज़ के पास थिनर होता है, या फिर आप मार्केट से ला भी सकते हो, 10-20 रुपए का ही आता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है वो, तो वो लाकर आप अच्छे तरीके से उसको रिमूव कर सकते हो, कोटर भी रिमूव हो जाएगा, प्लस आपका जो नेल पेंट है वो भी रिमूव हो जाएगा। मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा फ्रेंड, कि
इतना सब कुछ करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे कपड़े ना पहने। होली में जो है वो आपके पुराने जो कपड़े रहते हैं आपके घर में, जो आप पहनना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, उसका कलर रिमूव हो गया है, ऐसे ही कपड़े पहने, जिससे कि आपके जो नए कपड़े हैं वो गंदे ना हो और नए कपड़े गंदे होकर आपको परेशानी ना हो कि मेरे नए कपड़े गंदे हो गए कलर से। क्योंकि होली के जो कलर्स होते हैं फ्रेंड्स वो इजीली रिमूव नहीं होते। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हम नए कपड़े पहन लेते हैं और नए कपड़े में कलर लग गया तो मान लीजिए कि वो कपड़ा ही पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, वो उसको आप फॉलो कीजिए, जिससे कि आपकी जो होली की कलर वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। प्लस आपको कोई भी इरिटेटिव फैक्ट जो है, मतलब जैसे कि इरिटेशन वगैरह, स्किन की इरिटेशन या फिर स्किन की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं इसके रिगार्डिंग जैसे कि आप मैंने जो जो मेथड्स बताए उससे तो आपका कलर पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, बट फ्रेंड्स कुछ कलर्स जो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली केमिकल वाले होते हैं, जो कि बहुत ईजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं हमारे स्किन में। सो उसको हम ईजीली कैसे रिमूव कर सकते हैं वो मैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो उसको भी देखना बिल्कुल ना भूले। और तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।